सदर शाह सेक्टर जिला साहब को मास्क पहनाया है। हमारे दोस्त तकरीबन 7-8 मिनट से कर पाए, मगर हमारे साथ कोई साथ नहीं। हमारे सैलाब आ गया, सब कुछ आ गया, तबाही हो गई है, सिंह तमाम बर्बाद कर दिया गया, तो इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? अभी वो दौड़ रही है सर, जो 2007 से 2021 तक आप लोगों ने जारी बनी है 15-15-20 लाख रुपए में आपने अब वो दौड़ नहीं रहा सर। अब अपना हक लेने निकले हम 33-39 वाले पास है, और पास डिक्लेयर किया हुआ है आपने हार्ट एरिया का ड्रामा बना के, हम भी पास है, हमने कौन सा जुलूम किया है सर? 33-39 हमारे क्रिकेट पास थे, बड़ा मेहरबानी उनकी उनकी कोचिंग खत्म करें और उनको ऑफर लेटर दे के उनकी मेहनत खत्म की जाए सर। हमारे मुताबिक 19 तारीख गवर्नमेंट ने सिर्फ यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आपको दिए, अगर वो 19 तारीख को कुछ भी नहीं करते इस तरह इस आश्रय पे आश्रय दे रहे हैं पहले दे रहे हैं, तो उसके बाद सर हम ये वायदा वफा कराने के लिए, याद दिलाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। 2 दिन पहले आके उन्होंने बोला है 19 तारीख को हम आपके मुताबिक वहाँ की मीटिंग करेंगे बड़ी, उसमें सारे सिंध के काबीना बैठेगी और आपका मसला हल करेंगे। हम 2 दिन पहले उनको याद दिलाने के लिए यहाँ बैठे, अगर हमारा मुतालबा तस्लीम न किया जाता फिर वो रोड से रेड जोन भी सामने, सीएम हाउस भी सामने, हम रेड जोन भी जाएंगे और अपना सीएम हाउस भी जाएंगे, सिटी असेंबली भी जाएंगे, और अगर होना पड़े तो हम यहाँ पे पेट्रोल डाल के खुद को मारेंगे। ऐसी जिंदगी हमें नहीं चाहिए। हमारी वो डिग्रियाँ किस काम की हैं? हमने 15-16 साल इतना पैसे खर्चा करके, इतना दिन रात पढ़ाइयाँ करके, मेहनत करके इतनी डिग्रियाँ कमाई, क्यों डिग्रियाँ लिया? ये दिन देखने के लिए हमारे सिंध के बेटे सिंध की बेटियाँ रोडों पे पार हों, यहाँ पे हम अपने हक लेने निकले हैं इंशाल्लाह ताला। अगर हमें उम्मीद है 19 तारीख को हमारे मुतालबे माने जाएंगे, अगर नहीं माने गए तो फिर वो रेड जोन के सामने और वो सिंध असेंबली सामने हमारा अगला कदम जो होगा सिंध असेंबली के सामने होगा, सिंध असेंबली के सामने हम जीना है, मरना है, धरना है, धरना है। गूगल ऐसा आकर लहर हमारे, जैसे कि यहाँ पे सारे लोग आए हुए, हमारे दोस्त भाई आए हुए हैं यहाँ पे, 33-39 मार्क्स वाले लोग यहाँ पे आए हैं, जो प्राइवेट एयर दिया था 2021। अब हमारा मुतालबा ये है कि की पॉलिसी होनी चाहिए 33% ओवरऑल को सिंध को पास किया जाए और नौजवानों को रोजगार दिया जाए, सिंध के नौजवानों को, सिंध की बेटियों को रोजगार दिया जाए। ये यहाँ पे पूरे सिंध में लोग बेचारे प्राइवेट जॉब के लिए सीवी लेके धक्के खा रहे होते जगह जगह। आपको ये एजुकेशन मिनिस्टर से हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको सोचना चाहिए सिंध के लिए और सिंध के नौजवानों के लिए, सिंध की बेटियों के लिए, उनको जो है जॉब दी जाए, क्योंकि ये भी पास है। अभी सीएसएस का एग्जाम हुआ था जिसमें 33% पे पास किया गया, सीएसएस इतनी बड़ी लेवल है, उसकी जब 33% पे क्राइटेरिया बनाई जाती है तो आप लोगों को पूरी सिंध में 33% पे क्राइटेरिया बनाने में क्या तकलीफ होती है? इससे अच्छा है कि सबको नौजवानों को रोजगार मिलेगा और जितनी भी हमारी जो तैलीम पीछे आपकी एजुकेशन पीछे रह गई है उसको एक सहारा मिलेगा। लेकिन आप लोग ऐसा क्यों नहीं चाहते? और आपको, आप लोगों को चाहिए सीएम साहब को और एजुकेशन मिनिस्टर को, सेक्रेटरी एजुकेशन को, इन सबको रिक्वेस्ट है, बिलावल साहब को भी रिक्वेस्ट है कि अपनी जो है वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो उनकी जो थिंक थी, सोच थी, उसको आगे लेके चले और सिंध के नौजवानों को रोजगार दें। उनका ये नारा था रोटी कपड़ा और मकान चाहता है ये हर इंसान, लेकिन यहाँ पे किसी को कुछ नहीं मिल रहा। ये नौजवान की बेचैनी खत्म की जाए और सबको 33% में पास करके सिंध के नौजवानों को जॉब दी जाए। जी सही नहीं आप ये स्टॉप करें, आप चैनल वाले यूट्यूब वाले, हाँ आप करें सवाल करें जरूर। हुकूमत ने आपको बोला था कि 19 तारीख को हम मतलब बैठ के डिस्कस करेंगे, उससे पहले 2 दिन पहले आप आके यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, इसका क्या मतलब? देखें ये एहतजाज तो हमारा आईनी हक है ना, जमहूरी हक है, क्योंकि पॉलिटिशियंस भी अपने हक के लिए एहतजाज तो करते हैं। तो हम 2 दिन आके पहले बैठ गए सिर्फ ये दिखाने के लिए अगर आप हमें मुतालबा नहीं मानते हैं तो हम तो यहाँ पहुँच चुके हैं। हम सखर से भी आए, सांगड़ से भी आए, हैदराबाद से भी आए, मीरपुर खान से भी आए, दादू से भी आए, हम तो यहाँ रेडी बैठे हैं। आप हमारे मुतालबा नहीं मानते तो हम भी तो अपना प्लान भी यूज़ करेंगे ना, सेक्रेटरी भी हमारे पीछे है, हेड जोन हमारे आगे है,
वोट है हमारे पास, ठीक है ना, सब है, हम बैठे हैं। आखिरी ऑप्शन क्या होगा आपके पास? आखिरी ऑप्शन हम 3 से 4 दिन वेट कर रहे हैं, हमसे आए बात करें, जिस तरह वोट लेने हमारे घरों के दरवाजों पे आते हैं ना, इस तरह आप जो है हमारे पास अभी कैंप में भी आके बात करें, अपनी गाड़ियों से उतरे, वोट लेने तो आपने वैसे ही आना है, हम आपको अभी वेलकम करते हैं, आप अभी आए, और जिन्होंने हमारी बात की उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। और अब ये जो हमारी लीडर है ना, इसका वास्ता है आपको, अगर ये जिंदा होती हम रोडों पे नहीं होते, ये जिंदा होती ना अगर हम रोडों पे नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ इनको देख के सिंध के बच्चों पे रहम करें, रोजगार दें, ठीक है ना, ये लोग फिर अपने घरों को जाएंगे। आपने कहा अगर बेनजीर भुट्टो जिंदा होती तो आज हम सड़क पे ना होते जी, तो आपके कहने का मकसद ये है कि पार्टी ने अपने मंशूर में तब्दीली कर ली? यार तब्दीली आप खुद देख रहे हैं ना, आप ये देखें क्या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जिंदा थी तो ये कराची में रोज प्रोटेस्ट होते थे, आज हालत आपकी ये है, ये आपके थरपारकर के आरओ प्लांट वाले आज बैठे हुए, उनके बराबर में आईबीए वाले बैठे हुए, कल परसों एनटीएस वाले आने वाले, और उसके बाद पैरा मेडिकल का भी एक प्रोटेस्ट होने वाला है रेड जोन में। ये सिंध को जो है ना मसाइल स्थान बना दिया है, बेनजीर जिंदा होती ना तो उनके कॉल पे काम हो जाता सबका, वजीर आला आपका, पीपल्स पार्टी का, सिंध गवर्नमेंट आपकी, कैबिनेट आपका, हम जिसको भी पकड़ते हैं कैबिनेट में डिस्कस करेंगे, हम जिस एमपीए को पकड़ते हैं कैबिनेट में, यार कैबिनेट कौन है आप मुझे ये बताएं, सैफ शरीफ आपके मसले हल करेगा या दीदार लगारी करेगा या सरकी करेगा, कौन करेगा, मौला बख्श करेगा? आप हमें एक्सेस देते हैं असेंबली के अंदर, हम जाके खुद कानून पास करते हैं, खुद पॉलिसी बनाते हैं, खुद कैबिनेट में भेजेंगे, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। पॉलिटिशियंस आप हैं, वोट आप लेते हैं, फिर भी हम रोडों पे ख्वार हैं आपके वोटर। आपके चैनल को 4 चांद लग जाएंगे चलाने, मैंने अलग जो आधा ये चलाते हैं भाई, वोट लिंक है एक ग्रुप में मोक लिया, बड़ी में मोक लेंगे, स्थानीय मोक रहे मोकने वाले Thank you.